कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान में आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, वो है आपके भारत की संघीय व्यवस्था के जो आधारभूत मुख्य तत्व हैं उनके बारे में। संघीय व्यवस्था कहते किसे हैं? देखिए, जैसे एक सत्ता है उसके पास में खूब सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं और विभिन्न स्तरों के आधार पर शक्तियों का विभाजन करके जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संघवाद जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य है वो शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें देखिए जैसे दो तरह की शक्तियों को ले सकते हैं, एक तो हम पूरी जो भी इकाइयां हैं वो एक केंद्र के रूप में आ जाए सारी इकाइयां सम्मिलित होकर, तो उस प्रकार की शासन व्यवस्था, इसके लिए हम अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं। और एक है कि विभिन्न स्तरों के आधार पर शक्तियों का विभाजन करके जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसमें हम अपने देश भारत का नाम है वो उदाहरण है वो ले सकते हैं, क्योंकि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो केंद्र और फिर केंद्र के बाद में शक्तियों का विभाजन है वो विभिन्न स्तरों पर राज्यों में किया गया है, जिससे शासन व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चलती है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय आपके एक केंद्र और 14 राज्यों को मूर्त रूप देकर संविधान का ढांचा है वो निर्मित किया गया था। उसके बाद में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर जिसमें धारा 370 लागू की गई थी वहाँ की शासन व्यवस्था थी अलग, तो जब 370 धारा लागू थी तो भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो बन चुके हैं। अब अगर संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस प्रकार हैं वो आधारभूत तत्व होना आवश्यक है, तो इसमें पहला आधारभूत तत्व है आपके शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। केंद्र द्वारा शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है अनुच्छेद 243 के अनुसार। इसमें देखिए केंद्र राज्य के अलग अलग विषय है वो निर्धारित किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार को 97 विषय, केंद्र सरकार के लिए 97 विषय हैं वो निर्धारित किए गए हैं जिस पर केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है। उसके बाद में 66 विषय हैं वो आपके राज्य सरकारों के लिए, राज्यों के लिए जो राज्य स्तर पर सरकारें कानून बनाती है, तो 66 विषय निर्धारित किए गए हैं। और तीसरा 47 विषय इस प्रकार के हैं जिस पर समवर्ती सूची, जिसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है, इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून है वो पहले लागू होता है। तो संघ सूची के 97 विषय जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के 66 विषय जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची के 47 विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य आवश्यकता अनुसार है वो कानून बना सकते हैं। उसके बाद निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, हम पढ़ते हैं, हमने अधिकार भी पढ़े हैं अपने, हमारे जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं वो भी पढ़े हैं। शक्तियों का विभाजन अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन हमारे भारत में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व है जिसमें हम किसी भी विवाद का है वो समाधान है वो आसानी से करवा सकते हैं। क्यों? विवाद होना स्वाभाविक है। आप देखिए भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं, उनकी वेशभूषा अलग अलग है, उनका खान पान अलग अलग है, अगर उन्हें एक प्रकार के एक समानता के अधिकार न दिए जाएं तो विद्रोह और विरोध होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना है वो की गई है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, अब देखिए कानून चाहे केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार बनाए लेकिन संविधान है वो दोनों के लिए सर्वोच्च है। संविधान द्वारा निर्धारित नियम कानून है वो केंद्र और राज्य और विभिन्न स्तरों पर जो भी सरकारें हैं संविधान की सर्वोच्चता है वो निर्धारित की गई है। संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही केंद्र और राज्य सरकारें वो कानून बना सकती है। एकल नागरिकता, भारत में इतने राज्य, अलग अलग बोली भाषा खान पान पहनावा, लेकिन सबको एक समान नागरिकता है वो प्रदान की गई है। नागरिकता किसी राज्यों के हिसाब से नहीं है, पूरे भारत में जहाँ भी कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति है उनके लिए एक समान नागरिकता है वो निर्धारित की गई है, जिससे कि विभेद या विरोध जैसी कोई गतिविधि नहीं हो। भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एकल नागरिकता है वो प्रदान की गई है।
उसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का जो सदन है वो राज्यसभा है। आप देखिए संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। तो अगर केंद्र में कानून बन रहे हैं वहाँ लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हैं, लेकिन राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन, निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन की श्रेणी है वो राज्यसभा को प्रदान की गई है। राज्यसभा राज्यों से संबंधित जो भी विवाद है या जो भी वो कुछ निर्णय या सुधार कार्य करवाना चाहती है या कानून बनवाना चाहती है उनसे संबंधित है। तो केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसमें ही उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद में आपके राज्यपाल का पद, हालांकि ये केंद्र द्वारा ही निर्धारित होता है। देखिए राज्यपाल को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है और राष्ट्रपति उसे पदमुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है। राज्यपाल कोई ज़रूरी नहीं है कि उस राज्य का ही मूल निवासी हो, कहीं किसी भी राज्य का हो सकता है। एक राज्यपाल को दो राज्यों का कार्यभार है वो भी दिया जा सकता है। तो राज्यपाल एक प्रकार से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य में जो भी गतिविधियां संचालित हो रही है या मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनके कार्यों की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य है वो राज्यों में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जैसे केंद्र में प्रतिनिधि होता है अपने राष्ट्रपति सर्वप्रमुख, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल का पद है वो सर्वप्रमुख होता है जो राज्य संबंधी और मंत्रिपरिषद संबंधी समस्त गतिविधियों की समीक्षा करके उसका ब्यौरा है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है आपके एकात्मकता का प्रभुत्व। हम कहीं भी जाएं हमें ऐसा कभी नहीं फील होता है कि ये किसी अन्य देश का वासी है या अन्य देश के लोग हैं, या हमें कुछ अधिकार संबंधी या कोई कानून संबंधी या न्याय संबंधी कहीं भी विरोध या फिर असमानता देखने को मिलती है। हमारे किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र हो, आप देखिए इतने बड़े देश में एक साथ एक प्रकार के नियम कानून चलाना ये एकात्मकता का प्रभुत्व है। एकात्मकता को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। तो भारत में संघवाद है, राज्यों का संघ कह सकते हैं हम इसे, या तो संघवाद या राज्यों का संघ है उसके नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो राज्यों का संघ होने के बावजूद भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया ताकि किसी प्रकार का कोई मतभेद है वो नहीं हो। पहले से ही विषय वो निर्धारित कर दिए गए हैं कि इन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगी, इन विषयों पर राज्य, और इन विषयों पर केंद्र और राज्य सम्मिलित रूप से कानून बना सकती है। उसके बाद निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसका प्रावधान दिया गया है जहाँ विवाद होने की संभावना ही नहीं हो। संविधान को सर्वोच्च माना गया है, भारत के सभी नागरिक एक हैं, हम भारतीय हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा और राज्यपाल का पद निर्वाचित किया गया केंद्र द्वारा। और उसके बाद में एकात्मकता का प्रभुत्व है, हम एक हैं, एक जैसी भावना हमें सब जगह देखने को मिलती है। तो ये संविधान के कुछ प्रमुख तत्व थे। अब जो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एकात्मकता के कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, यानी एग्जाम्पल दे के उदाहरण दे के बताएंगे आपको ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जहाँ पर एकात्मकता का प्रभुत्व है वो दिखाई देता है।